गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ किंजल और मेरे चैनल पे आपका स्वागत है। सो गाइस आज की वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ फ्लॉलेस मेकअप बेस, जी हाँ, या मिनिमल मेकअप बेस बोलते हैं। आजकल जो है वो नो मेकअप मेकअप लुक ज्यादा चलता है। मैं खुद वैसा प्रीफर करती हूँ, जब भी कोई वेडिंग अटेंड करती हूँ या फेस्टिवल अटेंड करती हूँ या कोई भी फंक्शन होते हैं, बहुत कम प्रोडक्ट लगाती हूँ क्योंकि मुझे बहुत हैवी बेस नहीं पसंद है। तो कैसे कर सकते हो और कम प्रोडक्ट में अंडर 1000 रुपीज की जो बजट है उसमें आप फ्लॉलेस बेस कैसे पा सकते हो, वो आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। वन काइंड ऑफ नो मेकअप मेकअप लुक भी आप इसको बोल सकते हो, जिनको ज्यादा मेकअप नहीं पसंद वो ये लुक जो है वो ट्राई कर सकते हैं। तो CTM में सबसे पहले मैं जो है वो क्लिंजिंग टोनिंग मैंने कर दिया है, मॉइस्चराइजर मैं यूज कर रही हूँ। मॉइस्चराइजर यहाँ पे मैं यूज कर रही हूँ PSC का। कोई भी आप अपने स्किन अकॉर्डिंग मॉइस्चराइजर यूज कर सकते हो, वाटर बेस या क्रीम बेस, मतलब कि जेल बेस जो आता है वो। तो मेरी स्किन जो है वो कॉम्बिनेशन स्किन है और यहाँ पे मैं जो है वो वाटर बेस मॉइस्चराइजर यूज कर रही हूँ। फाउंडेशन यहाँ पे मैं ले रही हूँ फॉरएवर 52 का, ठीक है। थोड़ा सा ही आपको, इतना सा ही फाउंडेशन लेना है इस तरह से, पर उसमें आप कोई भी इल्यूमिनेटेड क्रीम या स्ट्रॉबेरी क्रीम या हाइलाइटर यूज करके अपना बेस जो है वो ग्लोई और ड्यूई बना सकते हो। तो उसके लिए मैं यहाँ पे यूज कर रही हूँ स्विस ब्यूटी का हाइलाइटर। अफोर्डेबल रेंज अंडर 1000 में है इसीलिए, अदरवाइज हाई एंड में भी बहुत सारे आते हैं। और इसमें थोड़ा सा आपको डालना है, एक ड्रॉप जितना, बहुत ज्यादा डालोगे तो ग्रेसी ग्रेसी हो जाएगा। तो थोड़ा ही आपको लगाना है, लाइक मिक्स करना है इसके साथ, तो आपका बेस जो है वो ड्यूई लगेगा, ग्लास स्किन बोलते हैं वैसा लगेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने जो है वो इतना ही हाइलाइटर लिया है। ये फाउंडेशन को आप मिक्स कर लो अच्छे से और उसके बाद आपको लगाना है, ठीक है। तो मैंने दोनों को अच्छे से मिक्स कर लिया है। प्राइमर मैं यहाँ पे यूज कर रही हूँ कलर बार का। CTM के बाद का जो स्टेप है वो प्राइमर होता है। प्राइमर आपको कंपल्सरी लगाना है, आपके जो पोर्स है उसे मिनिमाइज करता है और आप जो भी प्रोडक्ट लगाते हो तो एक बेस भी क्रिएट हो जाता है। तो आपको प्राइमर जो है वो लगाना ही है। अब हम इसको जो है वो डॉट डॉट करके लगाएंगे। आपको कम प्रोडक्ट लेनी है, कम फाउंडेशन यूज करना है। अगर आपको फ्लॉलेस बेस चाहिए, ड्यूई चाहिए लाइक, तो आप इसमें इल्यूमिनेटर हाइलाइटर यूज कर सकते हो। प्रोडक्ट बहुत कम कम लगाओगे, हैवी हैवी नहीं लगानी है। ज्यादा लेयर करोगे तो आपका बेस बहुत हैवी लगेगा और जो नो मेकअप मेकअप लुक है वैसा लुक भी नहीं आएगा, क्रैकी भी लगेगा और आजकल कोई भी वैसा प्रीफर नहीं करता है। तो इतना मैंने लगा दिया है। अब हम क्या करेंगे, ब्यूटी ब्लेंडर से इसको प्रॉपर ब्लेंड कर देंगे। जब भी आप फाउंडेशन चूज करते हो तब भी ध्यान रखिए कि आप फाउंडेशन जो है वो लाइट वेट यूज कीजिए। जब भी आपको ड्यूई लुक चाहिए और नो मेकअप मेकअप लुक चाहिए, बहुत हैवी सा फुल कवरेज फाउंडेशन लोगे तो आपका जो बेस है वो नेचुरल नहीं दिखेगा, तो उस बात का भी आपको ध्यान रखना है। ब्लेंडिंग जो है वो आपको प्रॉपर करनी है। अगर आपको ब्लेंडिंग प्रॉपर नहीं करोगे तो आपका बेस जो है वो क्रैकी दिखेगा। लाइट वेट फाउंडेशन लीजिए और आप देख सकते हो जैसे कि मेरी नेचुरल स्किन हो वैसा ही फील होगा। कोई भी प्रोडक्ट लगाई है ऐसा फील नहीं होगा, बहुत नेचुरल सा लगेगा। आप भी ये ट्राई करना, काफी अच्छा लुक आएगा। अब जो है वो हम कंसीलर लगाएंगे। कंसीलर अगेन मैं यूज कर रही हूँ फॉरएवर 52 का। फॉरएवर 52 की जो है वो हैवी कवरेज वाली भी सीरीज आती है, लाइट वेट भी आता है। तो हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं वो लाइट वेट वाला यूज कर रहे हैं। कंसीलर जस्ट आपको जहां पे आईज के नीचे डार्क सर्कल है वहां पे लगाना है, माउथ के अराउंड लगाओगे थोड़ा सा, क्योंकि वहां से आपका जो माउथ है वो ग्रे हो जाता है, मतलब कि मंकी माउथ दिखता है। तो आपको वहां पे लगाना है और कहीं पे डार्क वगैरह है फेस पे और आपको लगाना है तो वहां पे आप लगा सकते हो। तो मेरे फेस पे कहीं पे इतने डार्क है नहीं, तो मैं ऑलवेज यहाँ पे ही प्रीफर करती हूँ माउथ के अराउंड।
और आइस के नीचे। वही प्रोडक्ट को हम थोड़ा सा आइस के ऊपर भी लगा लेंगे, वही कंसीलर को। कंसीलर हो सके उतना आपको कम यूज करना है, नहीं तो आइस के नीचे जो है वो बहुत ही क्रैकी क्रैकी दिखेगा। अब मैं यूज कर रही हूँ सी ग्लेम का ब्लश। ये जो शेड है वो है 103 लिक्विड ब्लश है। आपको जब भी ड्यूई लुक चाहिए ना, तो हो सके ना तो आप लिक्विड या फिर क्रीम प्रोडक्ट यूज कीजिए, तो आपका बेस लिक्विड ही, आपका बेस जो है वो ड्यूई दिखेगा। अगर आप पाउडर प्रोडक्ट ज्यादा यूज करोगे तो आपका बेस जो है वो मैट दिखता है। इसको हम जो है वो ब्लेंड कर देंगे, और अगर नीड होगी तो दूसरी बार भी थोड़ा सा ब्लश लगाएंगे, क्योंकि मुझे ब्लश बहुत पसंद है। तो अगर आपको चाहिए तो आप थोड़ा सा हैवी ब्लश लगा सकते हो। बहुत सटल और नेचुरल दिख रहा है, आप देखोगे तो आपको बिल्कुल भी इतना क्रैकी या हैवी नहीं दिखेगा। और ये लुक आप कभी भी कर सकते हो, ऐसा नहीं है कि फेस्टिवल में, वेडिंग्स में, कहीं पे भी आपको बहुत हैवी नहीं पसंद। मैं पर्सनली यही ऐसा ही लुक प्रिफर करती हूँ। मुझे थोड़ा और ब्लश चाहिए, मतलब थोड़ा और पिगमेंटेशन चाहिए, तो मैं थोड़ा सा और ऐड कर रही हूँ, मतलब सेकेंड टाइम लगा रही हूँ। लिक्विड और क्रीम में यही बेनिफिट है कि आप दो बार लगाओ या तीन बार लगाओ तो भी वो क्रैकी या ओवर नहीं दिखता है। पाउडर प्रोडक्ट में क्या होता है कि वहां पे पैचेस दिखने लगते हैं, तो आप एक बार लगाते हो फिर आपको लगाना होता है तो भी दिक्कत आ जाती है, बहुत क्रैकी क्रैकी दिखता है। लिक्विड क्रीम प्रोडक्ट में ये इश्यू नहीं आता है। और एक फेस पे ना शाइन भी आती है, क्रीम लिक्विड प्रोडक्ट आप अगर लगाते हो ना तो एक अलग सी शाइन भी आती है। अब देखिए बहुत नेचुरल सा दिख रहा है, कहीं से भी आपको जो है ना वो ओवर नहीं दिखेगा या हैवी हैवी नहीं दिखेगा। अब मैं कॉन्ट्रोल स्किप करूंगी। ड्यूई बेस, नेचुरल बेस चाहिए और बहुत हैवी नहीं चाहिए तो आप कॉन्ट्रोल स्किप भी कर सकते हो। और रियल लाइफ में मैं कॉन्ट्रोलिंग कभी नहीं करती हूँ, जब कहीं पे भी जाती हूँ तो जस्ट कंसीलर और ब्लश वगैरह ही लगाती हूँ, तो ज्यादा नेचुरल दिखता है। और ऐसा कुछ नहीं है, लॉन्ग लास्टिंग भी रहता है, टिकता भी है रात तक। और आपको लगेगा कि ये पता नहीं ये टिकेगा या नहीं, लॉन्ग लास्टिंग होगा या नहीं, बट ये रहता भी है, ठीक है। अब मैं यूज कर रही हूँ के ब्यूटी का ट्रांसलूसेंट पाउडर, ट्रांसपेरेंट पाउडर, ठीक है। पाउडर जब भी आप लगाते हो ना तो आप पफ से लगाइए, मतलब पाउडर का जो वो होता है ना, पाउडर पफ बोलते हैं, उससे लगाइए कंपेयर टू ब्रश। नेचुरल फिनिश चाहिए आपको तो इससे लगाओ, काफी अच्छा लुक आएगा, काफी नेचुरल लगेगा, बिल्कुल भी क्रैकी या हैवी नहीं दिखेगा। मैं मोस्टली पाउडर्स पफ या स्पंज जो भी बोलते हैं उससे ही लगाना प्रीफर करती हूँ। इवन मैं मेरी ब्राइड्स को भी पाउडर पफ से ही लगाती हूँ, वैसे ही लगाती हूँ। ये काफी नेचुरल और सटल दिखता है। पाउडर प्रोडक्ट आप जब भी यूज करोगी तो आपका बेस जो है वो थोड़ा सा मैट हो जाएगा, थोड़ा सा नहीं पूरा मैट ही हो जाएगा। जो ड्यूई लुक हमें अचीव करना है वो नहीं दिखेगा, तो उसके लिए आपको क्या करना है, कोई भी ड्यूई सेटिंग स्प्रे ले लो या नॉर्मल सेटिंग स्प्रे ले लो और उसको आप फुल फेस पे पैकिंग के बाद अप्लाई कर दो। तो अब मैं क्या कर रही हूँ, फॉरएवर 52 का जो फिक्सिंग स्प्रे है, सेटिंग स्प्रे है, वो यूज कर रही हूँ। इसको सेट होने देना है 2 से 3 मिनट तक, और उसके बाद आगे की प्रोसीजर कंटिन्यू करेंगे, तो मैं वापस आती हूँ जब तक ये सेट हो जाए। तब तक सेटिंग स्प्रे अच्छे से सेट हो गया, उसके बाद मैं यूज करूंगी आईब्रो फिल करने के लिए NYX का ब्रो मस्कारा। आईब्रो भी नेचुरल रखनी है, ऐसा नहीं है कि आप जो है वो बहुत ही हैवी सा
आईब्रो ड्रॉ कर लो और ड्रामेटिक और बोल्ड बना दो, वो भी नेचुरल ही दिखनी चाहिए। तो आप इस तरह से NYX का आता है, एल्फ का आता है, वैसे ग्रोज मस्कारा एंड ब्रो टिंट्स वगैरह जो आते हैं वो आप यूज कर सकते हो, काफी नेचुरल सा लुक देते हैं और काफी अच्छा लगता है। आप दोनों आईब्रो में डिफरेंस भी देख सकते हो। पर्सनली मैं ये प्रीफर करती हूँ और आईब्रो भी स्किप नहीं करनी है, कंपल्सरी आईब्रो भी आपको फिल करनी है। जब भी आप लो ना, मेक श्योर कि शेड अगर आपको इसमें लेना हो तो ब्राउन शेड लेना, लाइट ब्राउन भी नहीं, डार्क ब्राउन जैसे जो शेड आते हैं वो, ब्लैक नहीं लेना है कभी भी। इंडियन स्किन टोन के अकॉर्डिंग वैसे डार्क ब्राउन शेड ज्यादा अच्छा लगता है ब्रोज के लिए, कोई भी प्रोडक्ट लेते हो, मस्कारा नहीं ब्रो होममेड भी लेते हो तो डार्क ब्राउन शेड लीजिए। तो जस्ट इतना ही नेचर रखना है आपको, बहुत हैवी सा नहीं करना है। और मैं पर्सनली इतना ही प्रीफर करती हूँ, आईब्रो बहुत ड्रामेटिक नहीं करती, क्योंकि वीडियो में तो अच्छा ही लगता है बट रियल में फेस टू फेस कोई देखता है तो बहुत ही ओवर दिखता है। इसीलिए अब हम क्या करेंगे, वही स्विस ब्यूटी का हाईलाइटर ले रही हूँ मैं, ठीक है, और उसको मैं लगा दूंगी आईज पे। अगर आपको इतना हैवी आई मेकअप नहीं पसंद तो आप क्या कर सकते हो, इस तरह से एक दो ड्रॉप ले लीजिए जैसे मैंने लिए है, ये देखिए, और फिर फिंगर की हेल्प से डैप डैप करके उसको लगा दीजिए। बहुत ही मस्त वाली शाइन ऐड हो जाती है जब आईज पॉप करते हैं आप या आई मूवमेंट करते हो तो आईज बहुत अच्छी लगती है और बहुत नेचुरल सा भी लगता है। इसके लिए आपको कोई आई ब्रश की भी जरूरत नहीं है। अब उसके बाद मैं यूज कर रही हूँ लॉरियल पैराडाइज का लैश मस्कारा। आप आई मेकअप भी कर सकते हो, मतलब आपको आईलाइनर यूज करनी है या और कुछ लगाना है तो भी लगा सकते हो, बट नेचुरल बेस में ये काफी अच्छा लगता है। कैमरे में पता नहीं है बट रियल में इसका जो लुक है वो बहुत ही ऑसम आ रहा है, लग ही नहीं रहा है कि हमने मेकअप किया हो, इवन स्किन लग रही है नेचुरली, स्किन जो हो वैसा ही फील हो रहा है। अब फॉल्स आईलैशेस भी लगाना चाहते हो तो लगा सकते हो। उसके बाद अगेन हाइलाइटर में आपको पाउडर हाइलाइटर नहीं लगाना है, अगर आपको ड्यूई बेस चाहिए तो कंपलसरी आपको क्रीम या लिक्विड लगाना है। तो अगेन मैं स्विस ब्यूटी का थोड़ा सा हाइलाइटर लगा दूंगी जस्ट हाई पॉइंट पे ताकि ड्यूई स्किन दिखे। इतना सा ही लगाना है। इससे क्या होगा कि आपका बेस तो ड्यूई दिखेगा, आपकी स्किन जो है बहुत ज्यादा शाइन करेगी और ग्लो करेगी। ये आप देख सकते हो शाइन जो है वो काफी ब्यूटीफुल लग रहा है। ड्राई नहीं करना है, जस्ट टैप टैप करके ही आप लगाओगे। कभी कभी अगर आपको लगता है कि आपने हैवी लगा दिया है या ज्यादा लगा दिया है तो आप इस तरह से ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से उसको कम भी कर सकते हो और सेट भी कर सकते हो इस तरह से। तो आपका बेस काफी ड्यूई और फ्लॉलेस लग रहा है, लाइट बेस लग रहा है, इतना हैवी नहीं लग रहा है। लिपस्टिक में भी आप क्या कर सकते हो कि कंपल्सरी आपको लिपस्टिक लगानी, ऐसा नहीं है। बेस के लिए आप जो न्यूड मेकअप करते हो तो आप न्यूड लिपस्टिक प्रीफर कर सकते हो, या इस तरह से टिंट आते हैं वो भी आप यूज कर सकते हो। यहाँ पर मैं यूज कर रही हूँ लव अर्थ की लिक्विड लिपस्टिक बॉटमलेस मीमोसास करके शेड है, तो हो सके तो आप न्यूड शेड यूज कीजिए ताकि आपका बेस ज्यादा नेचर दिखेगा, ज्यादा अच्छा दिखेगा। आजकल वैसे भी कोई ब्राइट शेड यूज नहीं करता है।
बहुत ही ब्यूटीफुल सा न्यूड शेड है, आप देख सकते हो न्यूड पीच शेड है एक्चुअली में ये। डस्की स्किन पे ये नहीं जाएगा, वॉश आउट हो जाएगा। फेयर या मीडियम स्किन टोन है तो ये वाला शेड आप ट्राई कर सकते हो, बहुत मस्त वाला शेड है। लास्ट में अगेन हम यूज करेंगे फॉरएवर 52 का जो फिक्सिंग स्प्रे है वो। अब जो है उसको सेट होने देंगे 2 से 5 मिनट तक, और आप देख सकते हो काफी ड्यूई और फ्लॉलेस बेस दिख रहा है, बहुत नेचुरल दिख रहा है। ऐसा नहीं लग रहा है कहीं से भी कि जो है वो हैवी लेयर लगा दिया है या बहुत ही ज्यादा प्रोडक्ट लगाई है, नेचुरल बेस है। उसके साथ एक नेचुरल सी शाइन भी आपको दिख रही है। आप देखोगे मेरा फेस जो है मूवमेंट कर रहा है, मैं आपको जूम करके दिखाती हूँ, तो फेस पे जो है वो एक शाइन दिख रही है और काफी अट्रैक्टिव लग रहा है, मतलब काफी ब्यूटीफुल लग रहा है। मिरर में मुझे बहुत मस्त लग रहा है, पता नहीं कैमरे में ये प्रॉपर जस्टिफाई कर रहा है या नहीं लुक को, बट रियल में बहुत ही ब्यूटीफुल सा ड्यूई लुक लग रहा है। ये है मेरा फाइनल लुक, मैंने इयररिंग्स पहन ली है, दुपट्टा डाल दिया है और कुछ इस तरह से लुक आता है। आप बिंदी के साथ भी इसको ट्राई कर सकते हो, अदरवाइज विदाउट बिंदी भी काफी अच्छा लग रहा है। आप लोगों को कैसा लगा नीचे कमेंट करके बताना मत भूलिएगा। अब हम मिलेंगे अगले वीडियो में, टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर ऑल।